तो फ्रेंड्स आपको सिंपली ये लिंक ओपन कर लेना है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपना यूसी ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और प्रेस एंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि व्यूज की ऑफिशियल साइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपके पास विंडोज वर्जन भी अवेलेबल है और मैक वर्जन भी अवेलेबल है। तो विंडोज 1 जो है 64 बिट है और विंडोज 2 32 बिट है। तो मैं अपना सिस्टम चेक कर लेता हूँ 32 बिट है या 64 बिट। सो दिस पीसी पे आपने राइट क्लिक करना है प्रॉपर्टीज। अब आप देख सकते हैं मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो मैं 64 बिट वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ विंडोज 1 वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं स्टार्ट डाउनलोड की ऑप्शन आ गई है, आपने सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी सेटअप डाउनलोड किया है सो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हमें इसकी जो है सीरियल की रिक्वायर है, सो सीरियल की के लिए मैंने सेकंड लिंक दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहाँ से ओपन कर सकते हैं। सो आपने डायरेक्टली ओपन कर लेना डिस्क्रिप्शन से ये लिंक। अगेन मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ, न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ और इस लिंक को वहाँ पे पेस्ट करके प्रेस एंटर करता हूँ। वो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये फॉर्म आ गया है। सो आपको ये सिंपली इसको फिल कर लेना। फर्स्ट नेम पे मैं अपना नेम लिख लेता हूँ मोहम्मद उमर, लास्ट नेम भी आपने अपना लिख लेना। ईमेल आपने अपनी प्रोवाइड कर देनी है वैलिड ईमेल, और फोन नंबर भी। देन यूनिवर्सिटी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्री जो है वो पाकिस्तान, आप अपनी कंट्री के हिसाब से सेट कर लें। ग्रेजुएट स्टूडेंट या अंडर ग्रेजुएट जो भी आप हैं, सो आपको ये बस फील करना है कि रोबोट है कि नहीं। सो 3+2=5 और आपको ये चेकबॉक्स चेक कर लेना। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सीरियल नंबर पे क्लिक करना है, आप यहां से इसको क्लिक कर लें। सो आपकी ईमेल पे आपको एक ईमेल आ जाएगी, सीरियल नंबर की आपको ईमेल आ जाएगी रिक्वेस्ट ईमेल के बाद। देखें ईवीएस की तरफ से मुझे एक ईमेल आ गई है जिसमें सीरियल की मुझे दे दिया गया है। अब ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास सीरियल नंबर इसका आ गया है। सो आपको यहाँ से इसका सीरियल नंबर भी मिल गया। अब मैं ये सीरियल नंबर कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अपनी टेक्स्ट फाइल में। अब आपने जो अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है आप उस पर जाएं, प्रोग्राम पे राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये कुछ टाइम रिक्वायर करेगा इंस्टॉलिंग के लिए। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सीरियल नंबर जो आपने कॉपी किया था सीरियल नंबर कॉपी कर लें और यहां पे पेस्ट कर दें। अगेन नेक्स्ट, 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 डू नॉट अलाउ फॉर अपडेट्स, नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यस शॉर्टकट क्रिएट कर लें, यस
और फिनिश। सो यहाँ से इसे क्लोज कर लें, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं अपने सिस्टम को। अब आप देख सकते हैं कि ये EVUS 11 का जो है वो सेटअप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब आप सिंपली इस पे राइट क्लिक करें, आप इस पे डबल क्लिक करके आप सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ, ये देखें आप देख सकते हैं कि ये मेरे नेम पर रजिस्टर हो चुके हैं सक्सेसफुली। ओके करें, ओके। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा EVUS जो है 11 वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और हमने इसको क्रैक कर लिया फॉर 1 ईयर। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।